नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। बिहार में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी कड़ी में समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना इलाके से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आज अहले सुबह नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहे नमाजी पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी। बाइक सवार बदमाशों के बीच बचाव में एक करने गए युवक को गोली मारी, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा शख्स घायल हो गया, उसे परिजन DMCS में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं मृतक की पहचान रतवारा वार्ड 5 निवासी मोहम्मद दुलाड़े के रूप में हुई है। वहीं घायल की पहचान गांव के मोहम्मद सजेब के रूप में हुई है। ग्रामीणों की माने तो घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। आपको कैसे पता लगा? जहांगीर भाई मैसेज किया था। सुबह नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे फजर की 5 बजे, तो कुछ लोगों ने, 3 आदमी था एक बाइक पे, और वो मार के चले गए। और हर बार का ये मसला है, जो किसी ना किसी को हर साल मार ही देते हैं। इससे पहले मुखिया जी को मार के चले गया, उससे कोई हल नहीं निकला। और गांव में कुछ होता नहीं है, ना पंच में कोई बात होती है, ना कुछ, कोई किसी का कोई नहीं करता। कितने राउंड फायरिंग हुई? 6-7 राउंड चला। मृतक के शरीर में कितने गोली लगे? 4 गोली। सुने हैं तो एक बचाने भी आए थे, उनको भी गोली लगी है। तो वो अभी DMCH में है। उनको क्या मतलब, कहाँ पे गोली लगी? हाथ में लगा। कौन सी हाथ में? बाएं हाथ। कितने गोली लगी है उनको? उसके एक गोली लगी। क्या नाम हुआ आपका? हामिद हुसैन। विस्तार कर रहा था, जो उसका भी गांव यही है। पहले से भी कोई हमला हुआ था या कोई? पहले गांव में हमला होता है, पर यहाँ के लोग जो है, मुखिया सरपंच कोई एक्शन नहीं लेता है, ना पंच में कोई बात होती है, ना कोई। वो भी मुखिया सरपंच मेरी उम्मीद से डरता है उन लोग से। कौन है अपराधी? कौन अपराधी का तो खुला हुआ नाम नहीं है, लेकिन आता है, मर चला जाता है। कितने की संख्या में अपराधी आए थे? 3 आदमी थे एक बाइक पे। अच्छा, का नाम क्या था? मोहम्मद दुलारे। क्या मांग है आप लोगों की? मांग क्या है? मांग कुछ नहीं, हमारी जो है 8 परिवार हैं, हम लोग रहेंगे कैसे? घर में कोई कुछ साधन है नहीं, तो उसका कुछ हो गया ना। नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे? नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। क्या नाम हुआ? हामिद हुसैन।